हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। मैं जनरारी खान अपने एग्जामिनेशन सीरीज के आज सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूं। पहला वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा उस वीडियो को देखने के बाद, और अब बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं उस वीडियो को लेकर के हमारे पास, और इससे मेरा हिम्मत बढ़ रहा है कि मन कर रहा है मेरा जल्दी से सारे वीडियो अपलोड करें, बट सॉरी गाइज, क्लासेस बहुत लेने पड़ते मुझे भी, 12-13 घंटे पढ़ाने के बाद फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, दिस इज़ वेरी टफ फॉर मी, बट ट्रस्ट मी अगले 15 दिन आप मेरे वीडियो के साथ रहो। फिजिक्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 12 का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बस जो मैंने पहले भी बताया था कि बस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बनाते रहना, है ना, और जो यहाँ से जो एसी पढ़ा रहा हूँ तो पहले एसी को बना लेना, फिर आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तो कम्युनिकेशन के बना लेना, फिर मॉडर्न पढ़ाऊंगा तो मॉडर्न के बना लेना, है ना, इस तरह से। फिर ऑप्टिक्स मैंने पिछला वीडियो में ही बता दिया था कि कब क्या क्या पढ़ाऊंगा। आज जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही वाइटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे तरफ से इसको 6 स्टार है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, तो इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सीरीज आर एल सी सर्किट। देखिएगा इसी में, बोलोगे सर ये क्या है, एक रेसिस्टर है। नोट याद रखना, ये वही बच्चे पढ़े जिन लोगों ने एसी को पढ़ रखा है, अदरवाइज क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए नहीं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं मान के चल रहा हूं कि एसी को आपने जहां भी इंडिया के जिस कोने में है या दुनिया के, आपने एसी चैप्टर पढ़ी है एग्जाम से पहले, बस आपको वाइटल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ये रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, तीनों को मैंने सीरीज में एक एसी सोर्स, ये एसी का सिंबल है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। क्या बोलते हैं? सीरीज आरएलसी सर्किट। एक करंट यहां से मान लीजिए कितना जा रहा है आपका, आई नॉट, रेसिस्टर से जाएगा तो यहां का वोल्टेज क्या होगा, वी इज इक्वल टू होता आई आर, तो रेसिस्टर का वोल्टेज आई नॉट और इन टू आर, इंडक्टर का वोल्टेज वी एल, मैंने इंडक्टर का वोल्टेज आई आर, तो आई की जगह आई नॉट, और इंडक्टर का वोल्टेज पता है क्या होता है, इंडक्टर का वोल्टेज को हम लोग एक्स एल बोलते हैं, और एक्स एल क्या होता है देख लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। आप इतना समझो कि इंडक्टर का रेसिस्टेंस है और एक्स एल बराबर क्या होता है आपका, ओमेगा इंटू एल। बोलोगे ओमेगा क्या है यहां पर, तो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी 2πf, और यहां पर क्या हो गया एल, है ना, तो ये इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है या रेसिस्टेंस बोले इंडक्टर का, तो इसका ये वोल्टेज हो गया, और कैपेसिटर का वोल्टेज कितना, तो आई नॉट आई आर, तो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितना, तो इसको एक्सी बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी के, है ना, ओमेगा का मतलब यहां पर 2πf से है, क्लियर। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, मैंने इसको जोड़ दिया है। देखो होता है ना, जैसे कि ये आप लोग भी अनुभव करोगे, सपोज करो कि मैं जब चलता हूँ, मेरी वाइफ है, हम लोग जब साथ में चलते हैं तो जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो साथ में साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, और कभी कभी अगर मैं नाराज हो सकता हूँ हो जाता हूँ तो कभी मैं आगे हो जाता हूँ या मैं कभी उसके पीछे चलता हूँ, तो अगर साथ चल रहे ना मैं और मेरी पत्नी, मतलब सेम फेज में, मतलब दोनों बहुत चलो डालिंग आज चलो आज मार्केट घूम के आ रहे हैं, बट अगर मैं नाराज हूँ, सपोज करो कि मैं अगर आगे बढ़ गया, मतलब आई एम गेट आउट ऑफ फेज, या तो अगर मैं उसके आगे हूं तो मैं उसको लीड कर रहा हूं, मैं उससे आगे चला गया, और अगर मैं उससे पीछे हो गया, अगर वो मुझसे नाराज हो गई, मैं उसको बोला रहे सुनो सुनो, जब तक वो आगे बढ़ गई, मतलब मैं उसको लैग कर रहा हूं। अगर मुझे आप वोल्टेज मान लो, या मुझे अगर आप करंट मान लो और मेरी वाइफ को वोल्टेज मान लो, तो मेरी वाइफ को यहीं पे रहने दो, करंट कभी आगे गया, करंट कभी पीछे गया। एक्चुअली यही चीज एसी सर्किट में भी होता है, आपके घर में जो करंट सप्लाई होता है, वोल्टेज और करंट कभी साथ साथ नहीं होते, इनफैक्ट यही सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडक्टिव सर्किट है, कहीं ना कहीं कैपेसिटिव सर्किट है, हाँ अगर केवल रेसिस्टर हो तो फिर कोई बात नहीं है। तो बोलोगे फिर क्या होता है सर, तो देखो अगर रेसिस्टर का बात करो तो वोल्टेज रेसिस्टर के अक्रॉस और करंट दोनों सेम फेज में होते, लेकिन अगर आप इंडक्टर की बात करो तो वोल्टेज से करंट पीछे होता है, करंट लैग, लैग मतलब पीछे, बिहाइंड द वोल्टेज, कितना एंगल से, पाई बाय टू, ठीक है। और यहां देखो कैपेसिटर में
करंट आगे है, करंट लीड, लीडिंग, किसको लीड कर रहा है? वोल्टेज को. किसके वोल्टेज को? कैपेसिटर के. कितना एंगल से? पाई बाय टू से. ठीक है, मतलब इंडक्टर बोलता है करंट को कि तू मेरे पीछे पीछे रहा, कैपेसिटर बोलता है करंट को कि तू मेरे आगे आगे रहा. ठीक है, अब ये सर्किट हो गया, करंट यहां से जाने लगा. केस जो मैं ले रहा हूं, जो हमारे पास केस वन, केस एक ही लेना, दूसरा केस भी आप चाहो तो एग्जाम में यही पूछता है जो मैं बताने जा रहा हूं. यदि VL ग्रेटर देन VC, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज या इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से ज्यादा हो, तब हम अभी एनालिसिस करने जा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से क्या हो, ज्यादा हो. मैं एक समझा रहा हूं, अगला आप खुद समझ लेना उस चीज को. तो मैंने क्या माना है कि इसका वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है. बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं अभी रेसिस्टर को भूल जाओ, पहले एक बार इंडक्टर को देखो और एक बार कैपेसिटर को देखो. अगर इसका वोल्टेज ज्यादा है, मतलब इसको विजयी भवा का आशीर्वाद मिला हुआ है, मतलब यह साफ है कि इंडक्टर की जीत होगी. इंडक्टर की जीत का मतलब करंट पीछे रहेगा. कैपेसिटर की बात को काट दिया गया. क्यों काट दिया गया? क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से क्या था? कम था. इसलिए क्या किया गया कि इंडक्टर की बात मान ली गई और यह माना गया कि हां, वोल्टेज से करंट हमेशा कितना एंगल पीछे रहेगा? पाई बाई टू. नंबर एक. अब बचा हुआ था कौन? रेसिस्टर. अब यहां पर इंडक्टर और रेसिस्टर मिले हुए हैं, ये दो हैं. रेसिस्टर बोला मेरे को कैसे भूल गए भाई, मैं भी सर्किट का हिस्सा हूं. अब इन दोनों में झगड़ा होने लगा. ये बोला नहीं करंट पीछे रहेगा 90 से, ये बोला नहीं करंट साथ में रहेगा. मुझे बुलाया गया, बोला खान सर आप जरा फैसला कर दो हम लोग के बीच में, हम चाहते हैं करंट साथ में हो और ये इंडक्टर चाहता है करंट पीछे रहे 90 से, अब बताओ मैं क्या करूं. मैंने बोला देखो यार, मैं तो बड़ा सेंटिमेंटल इंसान हूं, दोनों की बात को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करो थोड़ा थोड़ा दोनों आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लो. इसको मैं बोला कि देख करंट तू अपने साथ मत ले जा, इतना जीत पे मत कर, जीत बहुत खराब चीज होती है. इसको मतलब तू भी क्यों जीत करता है करंट 90 से पीछे रहे, चल मैं मात तेरी मान लेता हूं करंट थोड़ा पीछे रहे. और इसको बोला कि चल ये तो 90 से तो नहीं माना ना, सपोज करो कि किसी ने तुमसे 1,00,000 रुपए लिए, तुमने उससे 1,00,000 रुपए मांगे, बोला नहीं दूंगा, तुमने बोले पूरे 1,00,000 दो, वो बोला नहीं दूंगा, तुम बोले दो, मेरे को बोला, मैंने कहा यार 70,000 रुपए देके काम खत्म कर दो, दोनों खुश. तो यहां पर इन दोनों में फैसला ये हुआ कि करंट इसके साथ तो नहीं होगा रेसिस्टर के, बट करंट बच्चों इंडक्टर के साथ 90 से पीछे नहीं रहेगा, हाँ कुछ फेज एंगल से पीछे रहेगा. यानी निष्कर्ष कंक्लूजन ये आया, द कंक्लूजन इज दैट इन द सीरीज आरएलसी सर्किट द वोल्टेज और नेट ईएमएफ विल लीड द करंट और करंट विल लैग बाय द वोल्टेज थ्रू ए सर्टेन फेज एंगल. है ना, मतलब कुछ फेज एंगल से करंट आपका क्या रहेगा, पीछे रहेगा. इतना अगर आप समझ गए तब इसका अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं. बोलोगे फेजर डायग्राम क्या होता है? चलो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं. चलो देखो ये सबसे सेंसिटिव है बच्चों, प्लीज फेजर डायग्राम को अच्छे से सीखना. देखो जब भी फेजर डायग्राम बनाना हो ना, ये रेसिस्टर वाला वोल्टेज का लाइन और करंट जो है ना इसके साथ सेम फेज में है. ठीक है, अब देखो कैपेसिटर क्या बोला था कि करंट को 90 से आगे रहना है. तो अगर करंट यहां है तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना से पीछे रहेगा? 90 से, क्योंकि कैपेसिटर का साफ कहना था कि करंट मुझसे क्या रहे, 90 से आगे रहे. और देखो ये इंडक्टर का वोल्टेज है और इंडक्टर साफ कह रहा था कि करंट से करंट क्या रहेगा मुझसे, 90 पीछे रहेगा. तो देखो इससे 90 पीछे है. ठीक है, और यहां देखो कैपेसिटर बोल रहा था कि करंट आगे रहेगा, कितना आगे रहेगा, 90 आगे रहेगा. तो पहले तो ये डायग्राम बना लो. अब केस यहां पर है कि वोल्टेज जो इंडक्टर का है वो बड़ा है और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या आपका छोटा है. तो छोटा के लिए याद रखना एग्जाम में ऐसे बनाना, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देना. ठीक है, तो ये आपका VC वाली लाइन है और ये आपकी VL वाली लाइन है. तो बड़ा कौन है? VL. तो नेट वोल्टेज कितने हो गए? तो VL माइनस क्या हो गया? VC. कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो अब अगर आप नेट EMF की अगर बात करें, अगर आप नेट EMF को अगर देखना चाहें कि कहां पर होगा,
तो मैंने पहले बता दिया कि नेट ईएमएफ से करंट को पीछे रहना है। तो देखो मैं कहां पर इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये नेट ईएमएफ। बोलोगे सर आपने इधर क्यों दिया, इधर क्यों नहीं दिया, इस सर्किट में फैसला क्या हुआ, पंचायती में जस्टिस क्या हुआ कि करंट को थोड़ा वोल्टेज के पीछे रहना है। तो ये वोल्टेज है ना, ये करंट है ना, करंट पीछे है वोल्टेज से, मान लो कितना फेज एंगल पीछे है 5। अगर इसको तुम इधर रखते तो करंट तो आगे हो जाता है ना, तो इसलिए नेट वोल्टेज वाला जो फेजर डायग्राम है ये एक्सिस आगे रहेगा वेक्टर, और करंट वाला क्या हो गया पीछे। यहां से साफ पता चल रहा है कि जो ये नेट वोल्टेज है ये करंट से आगे है, मतलब करंट लैग कर रहा है, किसको लैग कर रहा है, वोल्टेज को, कितना फेज एंगल से, 5 से। और ये जो पूरा एंगल है जो ईएमएफ इस रेफरेंस एक्सिस के साथ बना रहा है, ये एंगल आपका क्या है, ओमेगा टी है। यहां क्लियर हो गया। अब देखो समझना, अब जब ये हो गया, ये VL माइनस VC ये जो लाइन है इसको आप यहां दे सकते हो, ये हो गया आपका VL माइनस VC, ठीक है, ये इसके पैरेलल। अब देखो इसको O मान लो, इसको A मान लो, और इसको क्या मान लो, B मान लो। मान लिया ना। अब देखो ये OAB एक ट्रायंगल है, पता है इसका नाम क्या है, इस ट्रायंगल AOB को हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। और यहीं से हम लोग चलने वाले हैं, इसी इंपीडेंस ट्रायंगल से हाइपोटेनस लेके, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है। देखिएगा फ्रॉम ट्रायंगल AOB या OAB जो बोले हम, इसको आप इस तरह से लिखें OAB, ये ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनोज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस कर्ण स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी VL माइनस VC का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका VR का स्क्वायर। चलो देखते हैं, है ना। अब देखो ई स्क्वायर बराबर VL का मान मैंने वहां डायग्राम में निकाला आई नॉट XL, VC का मान आई नॉट XC का स्क्वायर और VR का मान आई नॉट R का स्क्वायर। चलो अगले स्टेप्स की तरफ चलते, ई स्क्वायर बराबर इन दोनों में से आई नॉट स्क्वायर के साथ बाहर ले लो, तो यहां क्या बच गए, XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस आई नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, दोनों में से आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते, यहां पे क्या हो गया XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो गया R स्क्वायर, यहां पे क्या हो गया ई स्क्वायर, या आई नॉट स्क्वायर बराबर देखो ई स्क्वायर बाई यहां पे हो गया आपका XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया R स्क्वायर। याद रखना E की जगह आप E नॉट ले सकते हो, पिक करंट पिक वोल्टेज है आपका, तो आप चाहें तो E की जगह क्या लिख सकते हैं, E नॉट लिख सकते हैं या लिखते हैं, मैंने यहां पर ट्रेंडली इसको क्या लिया है, E लिया है। या देखो अगला स्टेप्स, I नॉट बराबर ये रूट जब इधर जाएगा तो यहां पर हो गया E by अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया R स्क्वायर। ये करंट का इक्वेशन है जो यहां से क्या हो रहा है, बाहर है। अब आप जानते हैं कि करंट बराबर वोल्टेज बाय क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी बच्चों ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट है इसका ये रेसिस्टेंस है, हम लोग इसको रेसिस्टेंस नहीं पढ़ के जेड बोलते, इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बराबर अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर। या एक्सएल को आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा एल, एक्सी को 1 बाई ओमेगा सी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर। ये इंपीडेंस है, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है ना, और ये इंपीडेंस है जो सर्किट से बहने वाले करंट का अपोज करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छी बात है। आप चाहें तो इस फेज एंगल को निकाल सकते हैं दो तरीके से, अगर फेज एंगल निकालना हो तो चाहे तो कॉस फाई ले सकते, कॉस फाई निकालना तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपका वी आर हाइपोटेनस ई, वी आर का मतलब आई नॉट आर, आर ई बराबर आई नॉट और इसका भी बराबर आई आर होता है, तो आर की जगह यहां पे क्या पुट करेंगे जेड, आई नॉट से आई नॉट, यहां पे क्या हो गया आर बाई जेड, ठीक है। अच्छा या आप
टैन फाई से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, याद रखना यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते छोटे छोटे, टैन फाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बी एल माइनस क्या हो गया बी सी, और बाई बेस का मतलब क्या हो गया बी आर, तो बी एल का मतलब आई नॉट एक्सएल, बी सी का मतलब आई नॉट एक्सी, और बी आर का मतलब आई नॉट आर, है ना। अब सब में से आई नॉट अगर कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचते आपके एक्सएल माइनस एक्सी, और बाई क्या हो गया आपका आर, ये क्या निकल गया बच्चों आपका फेज एंगल, या तो टेन फाइव के फॉर्म में लो या फिर आप कॉस फाइव के फॉर्म में लो, ये फेज एंगल आ गए आपके। अच्छा एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकते हैं कि सर करंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैं छोटा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ईएमएफ बराबर जो था वो आपका क्या आ रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है ना। अब आई बराबर जो आप लिखोगे ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तुम बोलोगे कि सर जी ये माइनस फाइव क्यों किया आपने, तो देखो यहां पे ओमेगा टी था ना, करंट पीछे है ना, कितना पीछे है तो फेज एंगल फाइव, तो यहां पर माइनस मैंने क्या लगा दिया फाइव। अगर करंट आगे होता, अगर करंट लीड कर रहा होता तब फिर यहां पे साइन क्या लगता प्लस, तो जब भी कहीं माइनस फाइव लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि करंट लैग कर रहा है, किसको लैग कर रहा है वोल्टेज को लैग कर रहा है, अगर प्लस फाइव होता तो करंट लीड कर रहा है, किसको लीड कर रहा है वोल्टेज को लीड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर से आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा तभी अगला वीडियो जो हमारा रेजोनेंस कंडीशन है और क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है जो इसी आरएलसी पर है अगला वीडियो, वो आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर फीडबैक दें, दोस्तों में शेयर करें, एग्जामिनेशन टाइम है सबके साथ मिलकर के पढ़ाई करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत वाइटल क्वेश्चन है और आज यहाँ से सवाल मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे लिंक को शेयर करें, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। एक वादा है कि अगला 15 दिन हमारे साथ रहें, आपके फिजिक्स के पेपर को अच्छा नहीं कर दिया तो फिर बोलना। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा, अपने आरी खान को विदा दीजिए, अगला वीडियो कल अपलोड हो जाएगा फिर इस वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।